उपचुनाव हो रहा है तो सुरक्षा व्यवस्था और कैसी है? सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। हम लोग आम वोटर को कोई परेशानी नहीं हो, भय मुक्त माहौल में मतदान करें, सारी व्यवस्थाएं की है। हर बूथ पे फोर्स दी गई है और जहां थोड़ा सेंसिटिव महसूस हुआ है वहां एक्स्ट्रा फोर्स भी दी है। तो उसके अलावा सेक्टर मोबाइल है, जोन मोबाइल है, सुपर जोन मोबाइल है, मतलब कई लेवल पे लेयर पे फोर्स का मूवमेंट है। सर, जैसे दियारा इलाका की बात कर ले, वहाँ पे वाहन तो जाने पाएंगे, इसके लिए क्या वहाँ से नाव की व्यवस्था है? सबौर में एक बूथ है, मैं नाम भूल रहा हूँ, वहाँ पे बस एक नाव ही मात्र, हाँ तो नाव से सभी पुलिस पोलिंग को जाते हैं और प्लस जो वहाँ के वोटर हैं वो तो ग्रामीण कोई परेशानी नहीं है, वही चीज़ नाथनगर में भी है। घोड़सवार जो जवान है वो लोग, हाँ वो अपना जो दियारा इलाका से कोई परेशानी नहीं हो, मेन फोकस ये है कि दियारा इलाका से कोई परेशानी नहीं हो, उसके लिए घुड़सवार है। साथ ही साथ बोट पेट्रोलिंग भी है, सबौर में भी है, नाथनगर गंगा नदी में है, ताकि दियारा साइड से कोई परेशानी नहीं हो। कुल मिलाकर सर क्या कह सकता है अब तक जो अब तक हमारे फोन पे कोई शिकायत नहीं मिला है, ना हमारे थाना पार्टी को शिकायत नहीं मिला है। जितना मैं बूथ घुमा हूँ हमें लगभग अच्छे से चुनाव हो रहा है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सरकार ध्यान कहाँ देता है? कुछ वोट दिए, वोट तो दिया हमारे सरकार, हम लोग का ध्यान कहाँ देता है? फायदा क्या होता है? इतना अपना वोट देते हैं, हरदम वोट आके देते हैं, हम लोग को कहाँ देती है सरकार? हम लोग का ऐसा कुछ दे कि हम लोग अपने बदौलत खा पी सकें? सरकार में लोग का इतना सा दे कि हम लोग खाए पिए, हजार का महीना हम लोग का दे सके, हम लोग खा पी सकें? हम लोग मोहताजी जिंदगी हम लोग की है, विकलांग है, माँ बाप भी नहीं है कोई। घर कहाँ आपका? हबीबपुर थाने के पास है। अच्छा, यहाँ कहाँ आए थे? यहाँ आए थे वोट देने के लिए गिरन भवन में। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? सिंपी नाम हुआ। मत आप हर साल मतदान करते हैं? हर साल मतदान करते हैं, देते हैं। हम लोग विकलांग बोलिए सरकार को कि हम लोग पे ध्यान दे, हम लोग का 2000 रुपये का महीना करते हैं जो हम लोग खा पी सकें। भाई बजा के पास रहते हैं, खाते हैं पीते हैं, किसी का सहारा नहीं है, 10 लोग भी देते लेते हैं। दर्जनों बूथ पे मैं घूम चुकी हूँ। क्या लगता है आपको? लगता है कि हमारी जनता बहुत उत्साहित है वोट करने के लिए, लेकिन कहीं पे मशीन में गड़बड़ियाँ हैं। अभी 38 नंबर जो भतौड़िया का बूथ है वहाँ मशीन खराब हो गई है। पहले तो वहाँ पे डिस्टर्ब किया जा रहा था, जो प्रत्याशी है उसके ही रिश्तेदार के कोई शिक्षक को बैठा दिया गया था, सुमन नाम की लड़की थी, वो वोट गिराने ही नहीं दे रही थी। जनता का मतदाता मालिक का हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन मिला, मैं दौड़ी दौड़ी वहाँ गई। अभी तक ईवीएम मशीन बदला नहीं गया है, लेकिन वो उसको वहाँ से हटा दिया गया। इसकी जानकारी आपको किसी को दिए? हाँ बिल्कुल, मैंने उसकी जानकारी वीडियो को दिया, मैंने निर्वाचन के पदाधिकारी को दिया, जिस तो वो वहाँ गए और उनको बूथ पर से हटा दिया गया है। ईवीएम मशीन बदलने की बात कही? हाँ, ईवीएम मशीन बदलने की बात हमने कही है और अभी तक बदला नहीं गया है। और हमारी जनता बहुत उत्साहित है, वोट ऑफ परसेंटेज जो है ये लोग होने नहीं दे रहा है। और देखिए कितनों कुछ कर ले लोग, जनता की आवाज़ है और मुझे पूरी तरह ये जनता पे विश्वास है कि मैं जीत रही हूँ। और ये लोग बहुत षड्यंत्र रच रहे हैं, जहाँ जहाँ मुस्लिम इलाका है वहाँ ज़्यादा ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्या चीज़ में बता? मुस्लिम और यादव के इलाके में ये लोग इसलिए डिस्टर्ब कर रहे हैं, कहीं पर तो दुकानदारी को 100 गज की दूरी पर अगर दुकान खुला है, लोग जाके थकथका के बैठ जाते हैं, तो उसमें ये लोग जो है प्रशासन के द्वारा उसको खदेड़वाने का काम कर रहे हैं। और दूसरी ओर क्या है कि जो मशीन पे लोग बटन दबाते हैं तो उसमें कम से कम 30 मिनट लोगों का जा रहा है, इसलिए ये लोग जो है एक वोटर को वोट देने में 30 मिनट समय लगता है, एक वोटर को वोट देने में 30 सेकंड समय लगता है। और हर जगह पे यही शिकायत आ रही है कि ईवीएम में गड़बड़ी है। तकनीकी खराबी है हमको तो लग रहा है, तकनीकी खराबी क्या होगी तो साजिश ही समझा जाए, क्योंकि हमारे
वो तो आप साजिश जिसकी है वो जनता फैसला करेगी। आपको कुछ लग रहा होगा ना मैम, क्या साजिश है? नहीं, हमें तो यही लग रहा है कि दुनिया कितनों साजिश कर ले, मतदाता मालिक एकजुट है और हमारी विजय होगी, हम जीतेंगे। मतदाता बहुत कम संख्या में घर से बाहर निकल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि आज त्यौहार का दिन है, हम लोगों का चहल मुहर्रम का दिन है, इसलिए माँ बहन जो है बहुत कमतर माने निकलती हैं। सबसे पहले तो चुनाव आयोग का हम जो है सादर सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी भी ये सोच होनी चाहिए कि कम से कम त्यौहार का दिन देख करके उनको समय निर्धारित करना चाहिए। लोकसभा का चुनाव हुआ तो उस दिन भी त्यौहार का ही दिन था, रमजान था हम लोगों का, और ये जो आज चुनाव हो रहा है तो आज चहलू में हम लोगों का, तो आज जो है जो देख रही है जनता मालिक देख रही है, ये सारे चीज़ का जो है जनता की अदालत में हम लोग हैं और जनता इसका निर्णय लेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पे लोग जाते हैं उत्साहित होकर वोट गिराने के लिए, वहाँ सही तरह से वोट गिराए। मतलब जो मतदाता अभी तक घर से बाहर नहीं निकल पाए वोट डालने के लिए, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? उन्हें मैं कहूँगी कि अपने अधिकार के लिए और एक सच्चा और अच्छा चुनाव करने के लिए उनको घर से बाहर आना है और अपने मत अधिकार का प्रयोग करना है, ताकि अच्छे कैंडिडेट जीतेंगे तो उनके अधिकार, उनके हकूक, उनके विकास की लड़ाई लड़ेंगे। अगर हम लोग बाहर नहीं आएंगे, मतदाता मालिक बाहर निकल कर नहीं आएंगे, तो इसी तरह जो 15 साल से हमारा नाथनगर विधानसभा विकास से वंचित है, वैसे ही वंचित रह जाएगा। तो इसलिए हम तो यही कहेंगे अपने मतदाता मालिक से कि जागरूक हुए और सब लोग अपना घर छोड़ करके निकले और मत अधिकार का प्रयोग करें और अच्छे कैंडिडेट को जिताएं, ताकि उनका जो है अधिकार की लड़ाई लड़के उन तक पहुंचाने का काम करें। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय राबिया खातून, मैं नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल की कैंडिडेट हूँ। थैंक यू।